to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस इरिटेशन स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/448 please raise their hand? Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 2735. और इस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल हमास युद्ध विराम का प्रस्ताव पास हो गया। ये वही प्रस्ताव है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को पेश किया था। ये बात और है कि सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास होने के बाद भी गाजा में इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइल में क्या चल रहा है? पक्ष और विपक्ष दोनों पीएम नेतन्याहू से नाराज हैं। सरकार से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्री धमका रहे हैं कि अगर अमेरिका का प्रस्ताव माना तो सरकार गिरा देंगे। बाइडेन गाजा में जंग रोकने का पूरा मन बना चुके हैं। नेतन्याहू अगर डील मानते हैं तो सरकार जाएगी, डील नहीं मानी तो अमेरिका से रिश्ते खराब हो सकते हैं। नेतन्याहू के सामने एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली स्थिति आ गई है। अब देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे गाजा में युद्ध विराम क्यों नहीं हो पा रहा। गाजा के बाद आपको लेकर चलेंगे रूस, जहां दो भारतीय नागरिकों की मौत से बवाल मचा हुआ है। नौकरी के झांसे में ये रूस पहुंचे, जहां इन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने को मजबूर किया गया। अब इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बताएंगे कि बाइडेन के बेटे किस केस में जेल जाने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव से। 10 जून को अमेरिका का युद्ध विराम प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो गया। इसमें 14 देशों ने समर्थन में वोट किया। रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इनके 5 सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। एक भी देश अगर वीटो कर दे तो इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं डाला। रूस ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। उसने एक तरह से इस प्रस्ताव को मौन स्वीकृति दे दी। ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका इससे पहले 3 युद्ध विराम के प्रस्ताव का वीटो कर चुका है। इसके लिए उसकी खूब आलोचना भी हुई, लेकिन इस बार प्रस्ताव उसने पेश किया, इसलिए बिना दिक्कत ये पास हो गया। क्या है इस युद्ध विराम प्रस्ताव में? 3 चरणों में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है। पहले चरण में क्या होगा? 6 हफ्ते का संघर्ष विराम। इजरायली सेना गजा पट्टी के सघन आबादी वाले इलाके से पीछे हटेगी। बुजुर्ग, बीमार और महिला बंधकों के बदले इसराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि अभी कैदियों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई गई है। इसके अलावा हर रोज राहत सामग्री वाले 600 ट्रकों को गजा जाने की इजाजत भी दी जाएगी। पहले चरण सफल होने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। दूसरे फेज में क्या होगा? इसराइल और हमास लड़ाई को स्थायी तौर पर रोकने के लिए बातचीत करेंगे। जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक संघर्ष विराम जारी रहेगा और इस चरण में बाकी जीवित बंधकों को इसराइल वापस भेजा जाएगा। समझौता होने के बाद तीसरा चरण लागू होगा। इसमें क्या होगा? स्थायी तौर पर लड़ाई खत्म हो जाएगी। मृत बंधकों के अवशेष वापस किए जाएंगे। उसके बाद गाजा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा। और क्या कहा गया है इस प्रस्ताव में? कहा गया है कि गाजा में कोई भी डेमोग्राफी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहां फिलिस्तीनियों को वापस बसाया जाएगा। हमास और इसराइल ने अब इस प्रस्ताव पर क्या कहा है, आइए ये जानते हैं। हमास ने प्रस्ताव की सराहना की है। इसराइल ने प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है। यूएन में इसराइल के प्रतिनिधि शापर बेन नफ्ताली ने कहा, हम चाहते हैं गाजा भविष्य में इसराइल के लिए खतरा ना बन सके। युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता। अब बाकी दुनिया ने इस पर क्या रिएक्ट किया है?
रूस ने कहा है कि प्रस्ताव की भाषा जटिल है, इसमें और स्पष्टता की जरूरत है, हमें इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया। चीन ने भी यही भाषा की अस्पष्टता वाली बात दोहराई है लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। चीन ने यह भी कहा है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन ने गाजा में मानवीय सहायता तेज करने को कहा है। अल्जीरिया और जापान ने गाजा में हो रही तबाही पर चिंता जताई है। स्विट्जरलैंड ने प्रस्ताव का स्वागत किया है। उसने पिछले हफ्ते हुए नुसरत रेफ्यूजी कैंप में इजरायली हमले की निंदा भी की है। इसराइल ने अपने 4 नागरिकों को रिहा करवाने के लिए इस रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इसमें 274 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई, इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। ये प्रस्ताव पिछले यूएन के प्रस्तावों से कैसे अलग है, अब ये समझते हैं। दो फर्क है। पहला, इस प्रस्ताव में स्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है जबकि पिछले प्रस्तावों में अस्थायी तौर पर जंग रोकने की बात कही गई थी। और दूसरा, इस प्रस्ताव में गाजा से इजरायली सेना की वापसी पर जोर दिया गया है। अब क्या इस प्रस्ताव से स्थायी युद्ध विराम हो जाएगा, जानकार इसकी संभावना कम बताते हैं। इसके पीछे उनके 3 तर्क हैं। पहला तर्क, हमास स्थायी युद्ध विराम चाहता है लेकिन इसराइल बिना हमास के खात्मे के ये कबूल नहीं करने वाला, अगर ऐसा हुआ तो ये उसकी नैतिक हार होगी। कारण नंबर 2, नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन पार्टी ने कहा है कि अगर डील मानी तो हम अलग हो जाएंगे और आपकी सरकार गिरा देंगे। नेतन्याहू को सरकार में बने रहने और उनके समर्थन की जरूरत है। और कारण नंबर 3, बेनी गेंज ने अपने राजनीतिक सहयोगी गादी इसिनकोट के साथ नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बेनी गेंज वॉर कैबिनेट में अमेरिका के पसंदीदा थे लेकिन अब जब वो विपक्ष में वापस आ गए हैं, ऐसे में अब नेतन्याहू को मना सकने वाले लोग अमेरिका के पास कम ही बचे हैं। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने संपर्क किया जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सर से। हमने उनसे पूछा, अमेरिका ने यह प्रस्ताव 31 मई को ही पेश कर दिया था, फिर इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराने की क्या जरूरत पड़ी? क्या सिक्योरिटी काउंसिल से पास होने के बाद युद्ध रुक जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव पास किया था उसको यूएन रेजोल्यूशन से पास करने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास करने के बाद एक तरह की लेजिटिमेसी मिल जाती है, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। वो ये कि एक कंट्री का प्रपोजल अगर यूनाइटेड नेशंस से पास होता है, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल से पास होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट माना जा सकता है कि दुनिया में जो देश हैं, जो एक तो परमानेंट यूएनएससी के मेंबर्स हैं प्लस 10 जो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को इंडोर्स किया है। तो यूएन का इंडोर्समेंट इन इटसेल्फ एक बड़ी बात कहा जा सकता है। इससे पहले कई रेजोल्यूशन ऐसे भी आए थे जिसको यूएस ने वीटो कर दिया, तो ये रेजोल्यूशन वीटो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट, हालांकि रशिया ने अब्सटेन किया है, लेकिन इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट जो दुनिया के 5 बड़े देश प्लस जो यूएन का एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि एक तरह से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यूनाइटेड नेशंस का, उसका इंडोर्समेंट इसको एक लेजिटिमेसी देता है। इसीलिए ये अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास करके इसको एक इंडोर्स किया गया है। जहां तक बात है कि युद्ध इसकी वजह से रुकेगा या नहीं, इस रेजोल्यूशन की वजह से, कोई भी रेजोल्यूशन सिर्फ पास करने से कोई युद्ध रुक जाना ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उस रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। जहां तक दो जो पार्टी अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो दोनों ने एक तरह से उसको रेजोल्यूशन को वेलकम किया है। हमास ने खुल के इसको वेलकम किया है और इसराइल से अमेरिका पहले से ही बातचीत कर रहा था, तो इसराइल भी एक तरह से इस रेजोल्यूशन का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन रेजोल्यूशन पास होने के बाद और 31 मई को अमेरिका के प्रपोजल पेश करने के बाद भी जंग जारी रही है और कुछ इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो इस रेजोल्यूशन से या इस प्रपोजल से उतने खुश नहीं हैं। तो उनके हिसाब से और कुछ शायद उसमें
बात होनी चाहिए थी। हमास ने प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन इसराइल इसे मान नहीं रहा। इसराइल को इस प्रस्ताव से क्या दिक्कत है? तो इसराइल की जो आपत्ति है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से है, क्योंकि इसराइल गवर्नमेंट में जो नेतन्याहू और उनके जो फार राइट के अलाइज हैं वो वॉर खत्म करने या रुकने के फेवर में नहीं है। उनका मानना यह है कि अगर वॉर को खत्म कर दिया जाता है तो एक तरह से ये इसराइल के लिए डिफीट होगा, और हमास जैसा कि भले ही ये कमजोर हो गया हो एज अ एंटिटी, एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट ये खत्म नहीं हुआ। और अगर आप देखें कि इसराइल की एक जो मुख्य इसराइल का एम था, ऑब्जेक्टिव था वॉर स्टार्ट करने का गाजा पे, वो ये था कि हमास को बिल्कुल खत्म कर देना, और हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमास से ही लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, तो और मिलिटरीली भी हमास इतनी दिन पिछले 8 महीने से वॉर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हमास अभी भी वहां पे मौजूद है और उनके जो मिलिट्री विंग है वो भी मौजूद है। तो इनकी वजह से जो सिचुएशन है वो थोड़ा इजरायली गवर्नमेंट के लिए, जो स्पेशली उसमें फार राइट के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए वॉर को खत्म करने का एक्सेप्ट करना एक तरह से डिफीट की तरह है। तो वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ जैसे आप बेनी गांस की बात करें तो वो एक सेंट्रिस्ट लीडर है, थोड़ा प्रैग्मेटिक लीडर है। तो उन्होंने अभी अब डिफरेंसेस जो उभर के आए हैं, कुछ इसराइल में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, स्पेशली उनके वैसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स अभी भी हमास ने हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से हटके एक ऐसे प्रैग्मेटिक पोजीशन लेना चाहिए जिसमें इसराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और एक गारंटी हो कि इसराइल पे हमास फिर से हमला नहीं करेगा, लेकिन कंप्लीटली खत्म करने की बात थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डोमेस्टिक पैलेस्टीनियन सपोर्ट भी है, इसके भी लोग उनको कर रहे हैं। ये चैप्टर यहीं तक, अब कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। पहला अपडेट रूस से है। रूस की ओर से लड़ रहे 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। ये दोनों यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती बंद करे, इससे दोनों देशों के साझा हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने रूस से दोनों नागरिकों के शव की वापसी की मांग भी की है। इसी साल अब तक 4 भारतीयों की मौत रूस की तरफ से लड़ते हुए हो चुकी है। कैसे रूस की सेना में भर्ती हुए ये लोग? अप्रैल 2024 में भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर रूस यूक्रेन जंग में भेजने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से 3 लोग भारतीय थे, जबकि 1 रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाला ट्रांसलेटर था। सीबीआई के मुताबिक अब तक 180 लोगों को सोशल मीडिया के जरिए नौकरी का लालच देकर रूस यूक्रेन जंग में भेजा जा चुका है। सीबीआई के मुताबिक ये नेक्सस उन लोगों को निशाना बनाता है जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, फिर इन्हें सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो दिखाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि रूस में जंग में तबाह हुई इमारतों को खाली करने का काम दिया जाएगा। पहले इन्हें कहा जाता है कि 3 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग होगी, जिसमें 40,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। 3 महीने के बाद ये सैलरी 1,00,000 रुपये हो जाएगी। जब भारतीय झांसे में आकर रूस चले जाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें झूठे दस्तावेज दिखाए जाते हैं जिस पर लिखा होता है कि अगर ये रूसी आर्मी में भर्ती नहीं हुए तो उन्हें 10 साल जेल की सज़ा हो जाएगी। कई लोग इस झांसे में फंसकर इस नेक्सस के जाल में फंस जाते हैं। फिर सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल के नागरिक भी इस झांसे में फंसे हुए हैं। अच्छी सैलरी के नाम पर कई नेपाली रूस गए और वापस नहीं आ सके। दिसंबर 2023 में रूस की तरफ से लड़ते हुए 6 नेपाली नागरिक मारे गए थे। इसके बाद नेपाल ने रूस से कहा था कि वो उसके नागरिकों का इस्तेमाल बंद करे। ये चैप्टर भी यहीं तक। अगला अपडेट जापान से है। जापान ने रूसी सेना की मदद करने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने का प्लान बनाया है। 12 जून को जापान की पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल जापान में कुछ ऐसे चीनी और कुछ स्वदेशी कंपनियां हैं जो रूस में ऐसे सामान सप्लाई कर रही थी जिनका इस्तेमाल रूसी आर्मी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रही थी।
अब जाकर ऐसी कंपनियों का भांडाफोड़ हो गया है, इसलिए जापान की सरकार ऐसी कंपनियों को चुनकर उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। कब तक लगेगा प्रतिबंध? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आगामी G7 समिट में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा इसकी घोषणा कर सकते हैं। जानकार इसके पीछे अमेरिका का दबाव बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से जापान और रूस के रिश्ते बेहतर हुए हैं, इसी वजह से अमेरिका ने जापान पर ऐसी कंपनियों को बैन करने का दबाव बनाया है। अमेरिका जंग की शुरुआत से चीन और ईरान पर भी रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा रहा है। आरोप कि दोनों देश रूसी सेना को ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में जंग के लिए कर रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने मई 2024 में चीन और हांगकांग स्थित 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक आगामी G7 समिट में G7 देशों के नेता कुछ चाइनीज बैंकों को पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की चेतावनी दे सकते हैं। इन बैंकों पर जंग में रूस की मदद करने का आरोप है। ये चैप्टर भी यहीं तक। अब आज का आखिरी अपडेट ये आया है अमेरिका से। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन जेल जाने वाले हैं, उन्हें अवैध रूप से बंदूक रखने के मामले में जेल हुई है। उन पर आरोप थे कि उन्होंने नशे की लत में रहते हुए बंदूक खरीदी। अमेरिका में नशे के आदी लोगों पर बंदूक रखने पर रोक लगी हुई है। जिन अपराधों के लिए हंटर बाइडेन को दोषी पाया गया है उनमें 25 साल तक की सजा हो सकती है। इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में हंटर का ऐसे समय उन्हें मतलब दोषी करार दिया गया है जब उनके पिता राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कब का मामला है, आइए ये समझते हैं। हंटर बाइडेन ने साल 2018 में डेलावेयर के एक बंदूक स्टोर से रिवॉल्वर खरीदी थी, जिसे उन्होंने 11 दिनों तक अपने पास रखा था। हंटर की वजह से जो बाइडेन मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर लगातार मिलती रहेंगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।